तो देखिए यूपी पुलिस के लिए एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का हो गया 18 को। जीएस से कुछ क्वेश्चन निकल के आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जीएस उतना आसान नहीं आया था, जीएस उन लड़कों के लिए कठिन आया था जो जिनका बेस कमजोर है, जिनका जीएस बहुत कमजोर था, उनको शुरू से पढ़ना पड़ा, उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो जीएस का देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन था ये, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया था। लैंड ऑफ ड्रैगन किस देश को कहा जाता है, भारत का पड़ोसी देश है। और काजू इसी गुरु को नोबेल प्राइज मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की महिला नेत्री कौन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये देखिए उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय मैंने कराया था, मुंशी प्रेमचंद कराया था, और काजू इसी गुरु नोबेल प्राइज मैंने कराया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त उत्पादन किस अंग में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प एकदम सिंपल सा क्वेश्चन किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान में जो मूल दस्तावेज थे वो किसके हाथ से लिखे गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान पूछा गया था, ठीक है। जो दो लोगों के जन्म स्थान पूछे गए थे, मेजर ध्यानचंद के और मुंशी प्रेमचंद के, ठीक है। ये देखिए विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम पूछा गया था। और शेख सलीम चिश्ती दरगाह यूपी में है और किस जगह पे है ये पूछा गया था। और हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो पहला दूसरा सब याद करते हैं, तीसरा पूछ लिया गया था, ठीक है। तो जीके में थोड़ा बहुत बजाया गया था, थोड़ा बहुत फंसाया गया था, तो जीके उस हिसाब से कठिन आया था। तो देते रहे और जो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं देता रहूँगा सबसे पहले सबसे तेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।